बारी बरसी खटन गया जी खट के ले आंदा ताया कुंडा खोल बसंतरी ये दिता यार शराब ये आप कौन? अच्छा मुझे ही भूल गए। नशा हर गम को बुला देता है बहन जी। कौन बहन जी? वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। वाइफ का मतलब भी तुम्हें पता है क्या? हाँ बिल्कुल मिठा है वाइफ होके मतलब है विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। पता नहीं इसे पीने के बाद में इंग्लिश कहाँ से आती है। बिना पानी में सांग फलों चट रहे अंग्रेजी वाली मैडम डकाई होती है। तुम वे गुण है मेरे घरों धक्को देर बार कर रानी। अगर थोड़ा बहुत भी होश है ना तो आंखें खोल के देख घर के अंदर है बाहर नहीं निकाला तुझे। शराब ही शराब पीता है कभी घर की तरफ ध्यान दिया है? अच्छा तुझे शराब ही अच्छी लगती है। अच्छा बता तुझे मैं कैसी लगती हूँ? एकदम बिसी जिया सिरजी गड़ में नागिन लपेटा ले। अच्छा मैं तुम्हें नागिन लगती हूँ? और के तू पार्वती है 20 रुपया डाबरा वाला तेल की सीसी तेरे भोंकड़े का सिवा और के है। तू खुद को देख एक नंबर का शराबी नशेड़ी। उत्तर सोच दिन के तैयार हूँ तू तो इसी की सी रहसी। सुन के नहीं तो पिट के सही होगा। मैं अभी मेरे पापा को फोन करती हूँ वो सुधारेंगे तुम्हें तो। हाँ तेरे बाल तो लादे ना नहीं देखो अंतिम बार पर फटा तो छोड़ सी जबरा तेरे बहन करा जो कर ले। हेलो पापा आपने ये कैसा लड़का देखा है मेरे लिए? किसो मतलब दो टांगों वाला तो है। अरे पापा है तो दो टांगों वाला ही पर एक नंबर का शराबी है वो। तीन तीन चार चार दिन तक घर नहीं आता और आता है तब भी मेरे साथ लड़ाई करता है। अच्छा आ बात है तू आधी घंटे रुक मैं एक घंटे में आ। है वो अंदर है पापा वो। नहीं क्या दिक्कत है तेरे थर की दिक्कत है? ब्याह पहले तो कौन बताई तू दारू पिए? तो ब्याह पहले थे कौन बताई थर छोरी खून पिए? खून पिए न मोल हिर भाव करोड़ों की छोरी दे रखी है तन्ने बात छोड़ो थे या बताओ पाँच किताब ले। क्यों मैं टाइटर हूँ क्या जो तुम मुझे रीसेल कर रहे हो? तू खुद टाइटर बता टाइटर की बेइज्जती कर रहा है। तेरा भाई तो टाइटर का गैर है। अरे तेरी हिम्मत क्या है मेरी छोरी सगियां बात करने की? ए आई हो यहाँ तू यहाँ को मैंने तू माता अभी तो सुधरेगा ही पहले ही मान जाता। पापा मैंने आपको इससे समझाने के लिए बुलाया था और आप भी इसके साथ हो गए। आपका दिमाग खराब है क्या? देख दिन छुड़कियाँ बक बक रहे अकल आदमी को चीज ही करनी देख अकल की तरह घर का कोई बात को बोली तेरे घर का छोरी को हाथ मांग के बाह में दियो दे ठीक है सारी छोरी नाक जम कर रखी है। तू ही परेशान है मेरी सोच तू मेरी मेरे क्यों देंगी माँ है माँ मैं कितो दुखी हूँ है सच बात है। हे भगवान क्या करूँ तब भगवान ने छोटू रख रखी होगी मिंटो है भगवान क्या करो भगवान बैठे बैठे तेरे खातिर भगवान। हेलो भैया मैं इस आदमी से परेशान हो चुकी हूँ और मैंने पापा को बुलाया था इसे समझाने के लिए लेकिन इसने पापा को भी अपनी तरफ कर लिया। अच्छा आ बात है तो रुक मैं आऊँ अभी। तेरे बाप ने होटल खोल रखे होगे कभी कभी फोन करे कभी कभी फोन करे आने दे बेटा कोई जाओ नहीं मैं देख तू पैक बना एक पैक क्या लगा रखी है? मिर्जापुर 3 की शूटिंग चलने आ रही है तो पास और खट जा तो फोटो बाद में मिल से थोड़ा दिन दिखे कौन सोच रहे जो मैं फिर चलने आ रही है। अरे आई तो देखी जाए कौन नहीं बोली जब हेड बैठे बैठे दारू पियो सुना लगोगे बैठे बैठे सुना को लगा मैंने खड़ो हो जा खड़े खड़े पीछे और के। अरे इंगी तो समझ में आवे वो तो मरे ही सोई है सदा ही पिए पर फिर तो की शर्म करो। गलत बात बेटा गलत बात शर्म तो नहीं करे जी जो को करे शर्म बिंगा फुटिया करे। अरे बताओ के हाल बना रखे हो? क्या हाल बना रखे इतनी इतनी कोई पिए क्या कर रहा है? मैं पीऊ मैं
मेरी को वैल्यू कौन की? अरे वैल्यू तो है बिंगी, कोई वैल्यू कौन की? ब्याह रखी है तेरे तो दो रुक क्या वैसे तुम दो रुकना हूँ समझाऊ तो मारी क्या मी है मारी करना है वो तो बस हाथ लगे हो तेरे भाई जिधर सीधी आंगली होगी नए निकले नहीं डब्बियो मुंडो मारनो पड़े मतलब माँ साल माँ बता सुन था ले तू अन आंगी भाषा में समझा से मैं तो नहीं पीती है मुझे डर लगता है मन था हो तू आ माउंटेन ड्यू ले डर के आगे जीत है और मत क्यों दारू पीने की माउंटेन ड्यू पी के पाउडर ड्यू रुक जाता है और इतनी रोशन निकालो भाई ओ बटाओ तू ठोक गई है अरे वाह निकम्मी बात मेरा मारो तू ओ डुप्लीकेट तू मेरे साथ है और मेरे को भी पिटवा रहा है तेरे मत क्यों मेरे थाम ठोक गई नहीं ठोक देगी मेरे पास ठकुंगे लगेंगे एक ठकु एक लगे मैं एक ठकु ही लाग से ठीक है ठोक दी आमने तो पास पहला ही नहीं लिया।